हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। सो आज इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ना मुझे कोई डेयर दे सकते हो या कोई चैलेंज दे सकते हो, जिससे मेरी वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी धीरे धीरे एंड क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। आप देख रहे हो बढ़िया क्वालिटी भी दे रहा हूँ। मुझे आप डेयर दे सकते हो, कोई भी डेयर दे सकते हो। मतलब कुछ ऐसा मत दे देना जो मेरे से हो ही ना, बट कुछ इतना मतलब आसान भी मत दे देना जिससे मेरे से हो ही जाए। तो मतलब ऐसे दे देना जो भी आपका दिल करे, ठीक। एंड सुबह के अभी सुबह से बज चुके 4:30 बज रहे हैं एंड अब मैं निकल चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। एंड थोड़ा सा पढ़ाकू बालक हो गया हूँ मैं। देखो कॉपी कापी भी लेके जा रहा हूँ। वैसे ये कॉपी मेरी उधार खाता होता के लिए है, जैसे उधार उधार जो भी सामान होता है या जो हमने जो सामान बेचा उसके लिए होता है। बट ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैं बहुत पढ़ने पढ़ने वाला हो गया हूँ। एक कॉपी लेके चलता हूँ तो कोई ऐसे पूछ लेता है कि यार कॉपी पढ़ाई वढ़ाई करने लग गया क्या, या कुछ अलग कराने लग गया क्या, या ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाने लग गया क्या। सो भाई अब लोग तो बोलेंगे ही भाई कॉपी कॉपी ले रखा हूँ तो। सो ऐसा कभी रहता है सीन। एंड भाई अभी लाइफ में क्या चल रहा है भाई, ये नौकरी बस, सुबह सुबह जॉब और ट्यूशन और बस शाम को आते ही जल्दी सो जाओ, बस बात ख़त्म। एंड ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, अभी पढ़ाई थोड़ी सी कर रहा हूँ क्योंकि एक में बैक आ गया। अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता देता हूँ फिर से दोबारा, बैक आ गया मेरा एक सब्जेक्ट में। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दे दूँगा आराम से, तुम टेंशन मत लो यार। तुम्हारा भाई प्रो है, प्रो। जब बिना पढ़े में तुम सोच सकते हो, बिना पढ़े जब मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं तो मैं पढ़ लूँगा तो क्या ही होगा। सो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं हम एंड आपको वो भी दिखाएंगे कि हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और पूरा लास्ट तक देखा करो यार, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो एंड सबसे ज़रूरी चीज़ शेयर कर दिया करो, सभी के पास कर दो। क्योंकि भाई अभी थोड़ा सा रीच बहुत 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 डाउन हो गया है, तो यार सभी की हेल्प चाहिए। एंड डेयर गाइस, आज मैं आया हूँ हरियाणा बहादुरगढ़ और मेट्रो के पिलर पर। देख रहे हो कितनी अच्छी आर्ट है, देखो भगत सिंह का है ना ये, क्या भगत सिंह का है मिसाइल मैंने, अच्छा ए पी जे अब्दुल कलाम ने, यार अब्दुल कलाम का है यार। मैं कैसा कितना नल्ला बंदा हो यार, मुझे सबका चेहरा देख के बता देना चाहिए था। ये APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ना उनको। एंड ये है बहादुरगढ़ का मेन मार्केट, जैसे कि हमारे इधर रहते हैं ना तो ऐसा ही है, बट ये हरियाणा के अंदर पड़ता है और हम दिल्ली के अंदर रहते हैं। बिल्कुल ऐसे कह सकते हो, बॉर्डर के पास रहते हैं ना हम, तो यहाँ से हरियाणा भी पास में। और देखो मेट्रो भी अब बन चुका है, पहले यहाँ तक बना हुआ था, आगे मेट्रो नहीं था, बट अब कर लिया भाई ग्रो। ये क्या देखो, मोर के पंख बेच रहा क्या अंकल? हाँ मोर के पंख ही है। एंड कॉफ़ी शॉप है यहाँ पर, सारी हर चीज़ की दुकान है। ये देखना किस चीज़ की है, जोगी राम सैनी कॉम्प्लेक्स, भाई नाम भी ऐसा रख रखा है नकली सा। बट इधर देखो ऑटो दूसरी साइड, मतलब दूसरी टाइप के चलते, ये जो होते हैं ना अब बस भी ये दूसरे वाले हैं। हमारे इधर तो DTC है बट यहाँ तो वो ऐसे वाला नहीं है ना, तो ऐसा कुछ है। और दुकान ये हेयर कट की दुकान, बट भाई ये ऑटो इधर के ना अलग है। देखो ये दूसरे वाले हैं, वैसे ये वाले तो दिल्ली में चलते हैं बट जो दूसरे वाले अभी दिखाए थे वो नहीं चलते। और ये हरियाणा की शान ट्रैक्टर, भाई आई लाइक दिस, भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैक्टर। अगर मुझे चलाने का मौका मिला तो ज़रूर कभी उसका व्लॉग भी बनाऊंगा। अब भी हम चल रहे हैं किसके शोरूम पे, वीवो के शोरूम पे। हाँ तो वीवो के शोरूम पे जाना है क्योंकि भाई फ़ोन को ठीक करवाना है ना भाई। ये तो हम कहीं और ही आगे लगे, वीवो का शोरूम तो नहीं लग रहा ये कहीं से भी। ये क्या सेकंड फ्लोर वीवो के शोरूम पे आ गए भाई, ये लो अंदर चलते हैं फिर बता दे क्या है। हॉस्पिटल जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये क्या है, IQ का, अच्छा सर्टिफिकेट मिली हुई है। ये ऐसे लग रही है ना जैसे कि क्या कहते हैं हॉस्पिटल होता है। दिखा फोन में क्या, ओहो हाथ दिख रहा है तुम्हारा हाथ दिख रहा था। ये दिखा, ये देखो भाई स्क्रैच वो आ गई ना, डेंट डेंटिंग पेंटिंग हो गई तेरी इसकी, तो वाली। बट ठीक है चलो एक बार मैं अपने वाले को भी देख के आता हूँ क्या सीन है, क्योंकि एक बार मुझे भी अपना वो करवाना है ना। और मेरा ओए उसमें चलिए रियलमी वाले पे, ओए रियलमी मेरे फ़ोन का पता कितना बता रहा है रेट, वो कह रहा है कि फोल्डर चेंज करने के लिए कह रहा है 4500 रुपये बता रहा है। बस इतने फ़ोन लेगा यार, इससे अच्छा दूसरा फ़ोन ना ले लूँगा। तो भाई
रियलमी वाले ने तो बहुत गारंटी है। पर ठीक है चलो अब यहाँ से घर चलते, देखो पीछे सारी दुकानें इतनी सारी, ये देखो हमारे पास ये भी तो है, ये इसका ही उसका ही फ़ोन था वो जिसमें हाथ वाथ था भाई, कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो मैं कमेंट कर दो नीचे इसका, वो भी राज हम खुलवा देंगे कौन है वो किस कहाँ से, ठीक है अगर तुम इस पर ना मेरे वो क्या कहते हैं 500 सब्सक्राइबर करा दो इसका बता दूंगा मैं कि वो हाथ किसका है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैंने एक चीज़ देखा, देखो यहाँ पे मतलब लोगों ने लिख रखा है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, ऊपर से ये मूर्ति देखो भगवान की मूर्ति है, उधर भी है अगर तुम्हें दिख रहा हो तो इधर ही रहा, और यहीं पे लोगों के कारनामे भाई देखो, मतलब लोगों के इतना भी दिमाग नहीं है कि सामने देखो भगवान की मूर्ति है और कहते कि भाई हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, ये देखो भगवान की इज्जत ये हो रही है आजकल, बहुत बढ़िया, हमारा देश ऐसे तरक्की करेगा यार भाई इसी तरीके से भाई, हमारा देश का भट्टा ऐसे ही बैठ रखा है, कोई कहता ना कि हमारा देश इतना पीछे क्यों है, तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा, तो यही रीज़न है कि अपने जो होते हैं देवी देवताओं का ही भाई कदर नहीं कर रहे लोग, तो किसका करेंगे भाई, देखो पीछे मूर्ति है बट मूर्ति नहीं है मतलब दीवार में लगी हुई है, बट जो भी है बहुत बेकार लगा भाई ये चीज़ मुझे देख के, क्या है भाई ये इतना बुरा हाल है, मतलब ये चीज़ तो एक जगह दिखाई मैंने और दुनिया में पता नहीं कहाँ और भी किस किस जगह पे क्या क्या करते लोग, तो भाई लोगों की सोच जो कहते ना कि भाई हम मूर्ति भगवान को बहुत मानते हैं, भाई कुछ नहीं है ठीक है, सब मतलब ही लोग हैं, मतलब के लिए भगवान को याद करते हैं, मतलब ख़त्म तो भगवान कौन है, तो यही है यार। देखो भाई हमारे गांव की ट्रैफिक क्या बात है, दोनों तरफ से मौज कर रखी ट्रैफिक ही ट्रैफिक, निकलने ही दो बंद कर दो रास्ता, आज जीने ही नहीं देना किसी को भाई, मौज कर रखी है कसम से। वॉचिंग गाइज एंड मेक श्योर कर लो कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, चैलेंज वाली वीडियो आएगी आप डेयर दे देना, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट्स के अंदर, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।